किसानों के संपर्क में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीएम के कहने पर किसान नेताओं से संपर्क किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजनाथ और किसान नेताओं के बीच कई राउंड बातचीत हुई है। पीएम के कहने पर किसान नेताओं से संपर्क किया गया है। जिस तरीके से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और जो आक्रोश किसानों का है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा, इसी बीच बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पीएम के कहने पर किसान नेताओं से संपर्क किया गया है। राजनाथ सिंह और किसान नेताओं के बीच कई राउंड बातचीत हुई है। पीएम के कहने पर किसान नेताओं से संपर्क साधा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किसानों के संपर्क में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम के कहने पर किसान नेताओं से संपर्क किया गया। राजनाथ और किसान नेताओं के बीच कई राउंड बातचीत हुई है। पीएम के कहने पर किसानों से बातचीत की गई, किसानों के संपर्क में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीएम के कहने पर किसान नेताओं से किया संपर्क। राजनाथ और किसान नेताओं के बीच कई राउंड बातचीत हुई है, आपको बताते चले। इसी बीच बड़ी खबर, पीएम के कहने पर किसान नेताओं से संपर्क किया गया। यूपी के किसानों ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और हरियाणा पंजाब का जिस तरीके से किसानों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, इसी बीच आपको हम बड़ी खबर ये बता रहे हैं, जहां पर किसानों से संपर्क किया गया है। किसानों के संपर्क में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीएम के कहने पर किसान नेताओं से संपर्क किया गया। आपको बताते चले, राजनाथ और किसान नेताओं के बीच कई राउंड बातचीत भी हुई है। तो जहां किसानों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, दिल्ली कूच की तैयारी में है, जैसे किसान हरियाणा और पंजाब की पूरी तैयारी के साथ वो निकल चुके हैं। प्रशासन और किसानों के बीच जो तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जो आर पार की लड़ाई देखने को मिली, इसी बीच एक बड़ी खबर अब सामने आ रही है, जहां पर राजनाथ और किसान नेताओं के बीच कई राउंड बातचीत हुई है। पीएम के कहने पर किसान नेताओं से संपर्क किया गया है। जहां कल किसानों को आंसू गैस के गोले, बड़े बड़े पत्थर, पानी की बौछारों का सामना करना पड़ा किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए, तो वहीं अब आज एक खबर सामने आई, जहां पर पीएम के कहने पर किसान नेताओं से संपर्क किया गया है। किसानों के संपर्क में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इसी बीच। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से किसानों का जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही है, ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है, अब राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री किसानों के संपर्क में है। जी बिल्कुल, देखिए अब चूंकि सामने खबरें आ रही हैं, केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि किसानों से बात करेंगे, क्योंकि किसान जो है वो लगातार आक्रोशित है, और ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, खासतौर सरकार और पार्टी के बीच, वहां पे राजनाथ सिंह आगे आते हैं, किस तरह राजनाथ सिंह को पार्टी के आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मामला कृषि से रिलेटेड है। तो ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं, उन्होंने बात करने की बात नहीं कही है, पीएमओ से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन रक्षा मंत्री का नाम इस कड़ी में सामने आ रहा है। राजनाथ सिंह जो है वो किसानों से बात करेंगे और जाहिर तौर पे जो उनकी नाराजगी है उसे भी दूर करने की कोशिश करेंगे। बिहार चुनाव में भी हमने देखा कि किस तरह से राजनाथ सिंह को पार्टी ने आगे किया, और कई मौकों पर जहां पे भी चाहे गठबंधन की बात हो अन्य पार्टियों से या जनता के बीच के तालमेल की बात हो, वहां पे राजनाथ ही पार्टी और सरकार की नुमाइंदगी करते नजर आते हैं। जी जी अमित, जिस तरीके से स्थिति तनावपूर्ण बन चुकी है, ऐसे में अब राजनाथ सिंह का संपर्क में आना, देखते हैं कि क्या स्थितियां सुधर पाएंगी।
अब ये आने वाला समय ही बताएगा। अमित बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको इसी बीच हम बता रहे हैं, जहां पर जिस तरीके से किसान दिल्ली कूच पर अड़े हैं, वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे, ऐसे में बड़ी खबर सामने आ जाती है। पीएम के कहने पर किसान नेताओं से संपर्क किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संपर्क किया, राजनाथ और किसान नेताओं के बीच कई राउंड बातचीत भी हुई है। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या इस बातचीत से कोई हल निकल पाता है, क्या किसान को समझाया जा सकेगा, क्योंकि कल से प्रशासन उनको समझाने की कोशिश कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। अब ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहीं ना कहीं कमान संभाली है और उन्होंने अब किसान नेताओं से बातचीत करी है। कहा जा रहा है कि कई राउंड्स बातचीत यहां पर हुई है। अब आने वाला समय बताएगा कि राजनाथ सिंह की बातचीत से क्या कुछ स्थिति सुधरती है और क्या कुछ हल निकल पाता है, क्योंकि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। और बाकियों ने